हेलो गाइस, दिस इज खुशबू हियर। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? प्रश्नावली 1.6 का प्रश्न नंबर 1। तो फन क्या हमारा ज्ञात करें, इसको क्या करना है, हमें सॉल्व करना है। तो कैसे करेंगे? 64 किसका स्क्वायर होता है? 8 का। और इसके ऊपर पावर क्या है हमारी? 1/2। तो इस 2 से ये 2 क्या होता है, कैंसिल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों क्या है, डिवाइड में। जब डिवाइड में पावर होती है तो कैंसिल हो जाती है। तो ये क्या लिख देंगे इसको, 2/2। तो ये क्या हो गया, 1। तो 8 की पावर 1 का मीन्स क्या होगा, 8। तो ये क्या होगा इसका आंसर। सेकंड देखते हैं, 32। अब 32 है, ये किसी का स्क्वायर नहीं होता, क्यूब भी नहीं होता। मगर अगर हम इसको 2 की पावर क्या रख दें, 5, तो अभी भी इसकी वैल्यू क्या होगी, 32। और इसका क्या करना है, अब हमें डिवाइड करेंगे 5 को 1/5 के साथ। तो यहाँ पर 5/5, फिर से 5 से 5 कैंसिल, 2 की पावर 1। तो आंसर क्या आएगा हमारा, 2। 125 किसका क्यूब होता, 5 का। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1/3। क्यूब से क्यूब क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो यहाँ पे भी क्या बच जाएगा हमारा, 5 की पावर 1। तो आंसर क्या आएगा हमारा, 5। ओके, आपको इसके स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीना। प्रश्न 2, ज्ञात करें। इसमें भी क्या करना है, हमें सेम पिछले क्वेश्चन की तरह करना है। 9 को कैसे लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर और इसके ऊपर क्या पावर है, 3/2। अब इन दोनों की क्या हो जाएगी, गुणा आपस में, 2 × 3/2। 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल। अब क्या बची 3 के ऊपर पावर, 3। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 3 × 3/3। 3 × 3 = 9, 9 × 3 = 27। तो ये इसका क्या होगा आंसर। अब 32 को कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 5। इसके ऊपर क्या है पावर, 2/5। इसको भी सेम करेंगे, 2 × 5 × 2/5। 5 से 5 क्या हो गया, कैंसिल। तो 2 के ऊपर पावर क्या बचेगी, 2। और 2 × 2 जो क्या होता है हमारे, 4। तो इसका आंसर क्या आएगा, 4। अब 16 को कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 4, क्योंकि 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, 8 × 2 = 16। और इसके ऊपर क्या होगा, 3/4। अब सेम ऐसे ही इसमें भी क्या करनी है, पावर से मल्टीप्लाई। तो 4 से 4 कैंसिल, 2 की पावर 3। और 2 की पावर 3 क्या होगा हमारा, 8। फोर्थ क्या, 125। ये किसका क्यूब होता है, 5 का। और इसके ऊपर क्या पावर है, −1/3। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 3 × −1/3 से, 3 × 3 क्या हो गया, कैंसिल। तो ऊपर क्या बचेगी, 5 की पावर −1। और माइनस का मीन्स होता है, ये क्या होता है, अपॉन में लिखा जाता है। तो इसका आंसर क्या आएगा, 1/5। प्रश्न 3, 3 क्या हमारा, सरल करें। पहले क्या था, छोटी छोटी पावर्स थी, उनको हमें क्या करना था, ज्ञात करना था। इसमें क्या है, बस एक और क्या कर दी गई है, जोड़ दी गई है। तो ये क्या है हमारा, 2, और ये भी क्या है, 2। इसको क्या बोलते हैं, बेस। ये क्या है, पावर, हिंदी में आधार। और ये क्या है, घात। जब आधार क्या हो, सेम हो, तो घातों को क्या करते हैं, हम आपस में जोड़ देते हैं। तो ये क्या, 2/3 × 1/5। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे नॉर्मली हम एलशियम लेके सॉल्व करते हैं, इसके एलशियम क्या आएगा, 15। 3 × 5 = 15, 5 × 2 = 10। और यहाँ क्या आएगा, 3। तो क्या आंसर आएगा हमारा, 2 की पावर 13/15। ये क्या आएगा इसका आंसर। ऐसे ही सेम इसको करना है, ये 3 की पावर 3 है, जब ऊपर जाएगा तो ये पावर प्लस है, तो पावर क्या हो जाएगी हमारी, माइनस। अब क्या करेंगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई, 3 × 7 जो क्या होते हैं, 21। तो ये क्या आएगा, 21। थर्ड क्या है, 11 की पावर 1/2। ये क्या है, डिवाइड में। जब ये पावर ऊपर जाएगी तो ये क्या हो जाएगा, माइनस में। अब बेस क्या था हमारा, बेस सेम था, इसीलिए डायरेक्ट हमने क्या कर दिया, माइनस। अब क्या करेंगे, इन दोनों को माइनस करेंगे सेम एलशियम लेके। तो यहाँ पे क्या आएगा, 2 − 1, यानी कि
इलेवन की पावर 1/4 क्या आएगा इसका आंसर। अब फोर्थ क्या, 7 और 8 यहाँ पर क्या है पावर सेम। जब हमारी पावर सेम हो तो क्या करेंगे हम, 7 और 8 डायरेक्ट इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे। 8 7 जो क्या होता है 56 की पावर 1/2 क्या होगा हमारा इसका आंसर। ओके okay?